हेलो गाइस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पहला व्लॉग मेरी ही कार पे होगा, जो मेरे साथ ये सुबह के टाइम हुआ है और मैंने सुबह सुबह देखा है अपनी कार को इस हालत में, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। ये जो हुआ है, एक ट्रैक्टर ने मेरी खड़ी गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई थी उसने हिट करी है बहुत ज़ोर से और ये हाल हुआ है। आगे आगे मैं आपको इसकी पूरी कहानी दिखाऊँगा और कैसे कैसे हमने इसको वर्कशॉप भेजा या जो भी डिटेल्स हैं। सो प्लीज़ पूरा व्लॉग देखना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मुझे। हम सब खड़े हुए सुबह और ये सुबह 5 बजे का टाइम है। अपनी गाड़ी को अब टूटी फूटी गाड़ी जैसी भी हो चुकी है, अब खुद ही उसको वर्कशॉप ले जाते हुए क्या करें, अब जो होना था हो गया, छोड़ो क्या करें। वो ट्रैक्टर वाला भी ऐसे ही था, इतनी स्पीड पे चला रहा था। गाड़ी तो ठीक है बट पीछे से बुरा हाल हो गया। जैसे देखो ट्रे पड़ी है, ये पिलर देखो, नीचे से पूरे बेंट हो गई है गाड़ी की, चेसी में बेंट हो गई है। खड़ी गाड़ी को मार गया बताओ, और तो क्या ही होगा। ब्रेक लगने में भी इशू आ रहा है। अब ब्रेक लगने में पूरी पब्लिक जनता देख रही है हमें ही, जैसे पता नहीं तो कहाँ से मार के लेके आए। अभी नहीं क्या पता, खड़ी गाड़ी पे हमने टेस्ट ऐसी करवा लिया, वो भी घर के बाहर। वो चलो कैमरा था तो रिकॉर्ड हो गई कि हमारी, हमें पता भी लग गया कि किस तरीके से लगी है, किसने मारी है, कैसे मारी है सुबह 5 बजे के टाइम पे। बट कुछ आउटकम नहीं निकला, बट गाड़ी इंश्योरेंस है तो ठीक तो करवानी है। तो मौसम भी ख़राब ही था तो सोचा कि पहले गाड़ी को शोरूम तो पहुँचा ही दे, ताकि फिर वो अपना काम तो स्टार्ट हो। बाकी FIR भी हमने कर दी है, अब देखते हैं मिलता है वो नहीं मिलता है, मिले ना मिले, लेकिन गाड़ी की सही गाड़ी की अच्छी खासी गाड़ी की बैंड तो उसने बजाई दी। सो गाइस, दिस इज़ द फुटेज जो हमारी एक्सीडेंट हुई थी, इसमें आपको पूरा शो होगा कि वो कैसे लगी थी हमारी गाड़ी। बस ये स्कूटी वाले निकला और सामने से देख रहा है एक आदमी भी आ रहा है, उसको भी लगती है। अब बस ये देखो, ये आ गया एंड दिस, ये ऐसे करा था एक ट्रैक्टर वाले ने हमारी कार को हिट, और एक सामने बंदे को भी लगी थी बट वो बंदा इस फाइन है, उसको इतनी ज़्यादा मेजर चोट वोट नहीं लगी, बट हाँ थोड़ी बहुत लगी। बट हमने जब सुबह देखा तो हमें वो बंदा मिला भी नहीं, ना कहीं दिखा। सो दिस इज़ हाउ, ये तो है ही, अब क्या करें भाई, गाड़ी की हालत ही ऐसी हो रखी है, देखनी तो वो क्या, अगर कोई और होता हमारी जगह में तो हम भी देखते उसको ऐसे। वही तो, ऊपर से इतना ज़्यादा ट्रैफिक, ऊपर से लोग इतने रिएक्शन दे रहे हैं, ये देखो ये भी देखो कैसे उड़ उड़ के देख रहे हैं भाई सब, तो कैसे बुढ़ बुढ़ के लोग देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, रुके नहीं रहे हैं। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, करे ही जा रहे हैं, करे ही तो जा रहे हैं। जाम में तो लोग देखेंगे ही, और क्या, मैं तभी कह रहा था आपको जल्दी चल लो। अब जा तो रहे हैं, क्या करें, डॉक्यूमेंटेशन तो चलेगी, कोई नहीं, अब जो है चलो पहुँच के आपको बताते हैं, देखते हैं मिल के कैसा, क्या हमें एडवाइज़र क्या बोलता है। शोरूम पहुँच के अब आगे की चीज़ें दिखाते हैं। पहले बुरा हाल था, और एक और कोई और चीज़ हो गई, बारिश भी होने लगी, सारा पानी पता नहीं अंदर घुस रहा है बाहर घुस रहा होगा, पीछे से कुछ आइडिया नहीं। सारी आवाज़ें कर रही है गाड़ी, गाड़ी की चाल भी बिगड़ गई है, और ऊपर से दिल्ली का जाम, जब निकल जाओ, जब कभी भी निकल जाओ, हर समय जाम ही जाम। यहाँ से बंदा क्या ही पहुँचे, कहाँ ही पहुँचेगा, भगवान जाने। अबे बीच में काम उड़ रहा है, वैसे ही बुरा हाल है हमारा, और हमारे बुरे हाल क्यों कर रहा चाह रहा भाई। यहाँ से कहाँ से निकले, नीचे से निकले क्या, ऊपर से निकले, ऊपर भी जाम है, नीचे भी जाम है, कहाँ ही जाए, क्या ही करे। आज बुरा दिन है, पूरे दिन कुछ ना कुछ बुरा ही हाल होगा। शोरूम पहुंचने वाले अब तो 5 मिनट भी नहीं रह गए, तो इतना पानी भी भर रखा है, इतनी बारिश हुई है, बुरा हाल है। कोई नहीं, शोरूम तो आ ही गए हैं, बस अबाउट टू रीच, फिर देखते हैं अब क्या एडवाइजर से मिलके वो क्या बोलता है, क्या होता है, क्या बताते हैं फिर आपको सब। अभी आपको बाहर से गाड़ी दिखाता हूँ क्या हाल हो रखा है, ये रुक के दिखाता हूँ।
चलो आ गए हैं हम किया के शोरूम जहाँ पे वर्कशॉप है, जहाँ पे हमारे को अपनी गाड़ी देनी है। बस ये जो आपको दिख रही है बाकी सारी किया है कि आपको हर जगह दिखेगी। बाहर पहुँच गए, हमने फ़ोन कर दिया है भैया को, हमारे एक नोन है हिमांशु भैया, वो आए फिर वो गाड़ी देखते हैं। तब तक मैं आपको फिर से गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी का क्या हाल हो रखा है ये देखो गाइस। ये देखो पीछे से ही सारा काम खराब करा है, सी सी टी वी फुटेज में आपको दिखेगा कितनी तेज उसने मारी, कैसे मारी है अंदर तक ये शीशा। ये देखो अंदर पूरा पूरी डिग्गी तोड़ दिया है। ये देखो स्टपनी मेरी आज तक नहीं खुली है, और ये भी जो कवर होता है इसका बुरा हाल, मेरे को टायर ऊपर करके थोड़ा सा एडजस्ट करके लेना पड़ा। बाकी साइड से तो थोड़ा बहुत ही है, हल्का फुल्का ही है, मेन थोड़ी सी आगे से भी थोड़ी बहुत लगी है, आगे से तो बस यहाँ पे लगी है जो है ये, और ये पर लाइट वाइट बच गई है। बाकी मेन जो है सारा पीछे सेट हुआ है, ये तो आगे से, तो जब आगे जाके कार तेज़ लगी और आगे दीवार में लगी है जाके और खंभे पे लगी थी तब जाके उड़ान हुआ है। बाकी देखते हैं भैया क्या कहते हैं। गाइस घर पे आ गए हम, भैया को लेके पूछते कब तक गाड़ी वगैरह भी लेके पूरा। अब देखते हैं बात करके जो भी होगा जैसे भी आपको बताते हैं। गाइस अभी सारी फोटोज़ वगैरह लेके देखते हैं क्या होगा, फोटोज़ वगैरह आ गए, इंश्योरेंस कंपनी को भेजी गई, पूरी साइड वगैरह लग गई है, फ्रंट बम्पर बैक, तो फोटोज़ वगैरह लेके कंपनी में भेजेंगे, देखते हैं। रूफ तो पूरी हो गया, बस पूरी लेफ्ट साइड तो ख़त्म हो गई, पूरी क्लैडिंग्स वगैरह सब हट गई, लाइट वगैरह सब टूट गई, बम्पर तो पूरा ही डैमेज हो गया, हाफ ही हो गया बीच में से, अंदर से सारी टेढ़ी हो गई। ये तो मैंने ये देखो भाई कैसे कैसे हालत हो रखी है, पूरा कांच कांच हो रखा है ये भी। ये देखो भाई सारा कुछ उठाया ऊपर करके तब जाके वो गाड़ी चला के लेके आ रहा है। फुल तो रहा है, हाँ फुल फुल जॉइंट आ गया साथ में, यहाँ से लगाई फेंडर, हाँ वो फेंडर पैनल लग गया ना। बाकी यही है, बाकी एक इसको गेट में गैप तो गैप भी आ गया अब तो बीच में, ये भी आउट हो गया। इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो गई गेट पे, कैसे इम्पैक्ट पड़ गया वही तो। आई जब अपनी सारी फॉर्मेलिटीज करके जा रहे हैं अंदर, ये देखो जैक वगैरह लेके सारा कुछ क्या है, वो देखो गाइस ऐसी ऐसी हालत होती है हमारी, तब भी चलो कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट ये तो वही है अपना, ये तो उसकी फाइल हो गई इंश्योरेंस, गाड़ी देने के बाद पैदल जाते हुए घर, कैब तो ही बुक नहीं, ऑटो ही कर लेते हैं, ऑटो ही करा, वो ऑटो भी रुला रहा है, आ रहा हूँ कर रहा है इंजन से, लेट्स सी कैसे जाते हैं घर, कैब से या फिर मेट्रो से। तो आ चुका है तो हम घर जाएंगे ऑटो पर। कोड आता है क्या इसमें 703। ऑटो में यात्रा स्टार्ट, घर जाते होंगे, मजा आ रहा है ऑटो में, थक गया ऐसा काम कर लिया तूने, दिल्ली सुबह से 6:30 बजे से मैं ही उठाऊँ, मेरे को तो मैंने उठाया था। हाँ जाना कितना भैया, मैं मॉल टाउन जाना है, ये दिल्ली में बारिश के नज़ारे,
भैया ऊबर से ऑटो बुक करो तो आप नॉर्मल तुम्हारी बिठाते नहीं, फिर अब जो ऐप से आएगा बस वही। घर पहुंच गए अब हम, ये हमारी बुआ का घर है, अब थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर अपने घर जाएंगे, अपनी दूसरी गाड़ी लेके जो है वो आगे वाली प्लेन हो।